bismillahir rahmanir rahim we have already discussed interest rate channel in the transmission mechanism of monetary policy now in this topic we will cover in this lecture another channel which is other asset price channel so in aggregate demand aggregate supply model there was only one channel interest rate channel but in reality there are other channels as well चैनल एक नहीं होता जब मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होती है और उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड चेंज होती है तो उसका सिर्फ एक चैनल नहीं है कि रियल इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म वाला हो, चेंज हो और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन चेंज हो और उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड चेंज हो यह अकेला चैनल नहीं है बल्कि और चैनल्स भी हैं तो पहले यह क्लियर कर लें कि अदर एसेट प्राइस चैनल इसे क्यों कहते हैं इसलिए कि इंटरेस्ट रेट भी तो एक प्राइस है वो मनी की प्राइस और बॉन्ड की प्राइस से इनवर्सली रिलेटेड है इसका मतलब है इम्प्लिसिटली वो बॉन्ड की प्राइस को भी शो करता है या वो मनी की प्राइस है मनी भी एक एसेट है या इम्प्लिसिटली और इनडायरेक्टली वो बॉन्ड की प्राइसिस को शो करता है तो बॉन्ड भी एक एसेट है तो हम कह रहे हैं अदर प्राइस चैनल तो अदर प्राइस चैनल का मतलब है कि बॉन्ड और मनी दो ही तो एसेट नहीं है दुनिया में इसके अलावा भी तो एसेट्स हो सकते हैं उन एसेट्स की प्राइसिस के थ्रू भी तो जो सेंट्रल बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी का डिसीजन है जो कि एक्चुअली इंटरेस्ट रेट के बारे में होता है वो जो इफेक्ट है वो भी तो जो जो मॉनिटरी पॉलिसी का डिसीजन इंटरेस्ट रेट की फॉर्म में होता है उसका एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट सिर्फ इंटरेस्ट रेट और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की वजह से ही क्यों हो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के पीछे इंटरेस्ट रेट की बजाय कोई और भी वेरिएबल हो सकता है कोई और भी रीज़न हो सकती है तो इसलिए हम जाएंगे अदर एसिड प्राइस चैनल पे। तो अदर एसिड प्राइसेस में हम जो इस वक्त कंसीडर करेंगे वो है एक्सचेंज रेट और दूसरा जो है वो प्राइस ऑफ इक्विटी यानी कि स्टॉक प्राइसेज जो स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स जिनकी ट्रांजेक्शनज होती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर इसलिए हम इसको या अदरवाइज आप डायरेक्टली उसे इक्विटी कह दें या जो स्टॉक्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में जिनका लेन देन होता है गो के स्टॉक मार्केट उसकी सेकेंडरी मार्केट है लेकिन बहरहाल जिन शेयर्स का लेन देन वहां होता है हम उनकी प्राइसेस की बात कर रहे हैं वो भी तो एसेट्स हैं तो स्टॉक्स भी एसेट्स हैं इक्विटी उसे कहें या स्टॉक्स कहें वो भी एसेट्स हैं फॉरन एक्सचेंज भी एक एसेट है तो इनकी प्राइसेस की वजह से भी तो ट्रांसमिशन चैनल चल सकता है यानी कि पॉलिसी इंटरेस्ट रेट चेंज हो तो एग्रीगेट डिमांड चेंज हो ये जो ब्रिजिंग वेरिएबल्स हैं ये अदर एसेट प्राइसेस भी हो सकती है अब पहले हम एक्सचेंज रेट को लेते हैं और पहले हम ये देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट याद रखें जो पॉलिसी डिसीजन है वो हमेशा इंटरेस्ट रेट पे ही होगा अब ये नहीं है कि इंटरेस्ट रेट चैनल में तो पॉलिसी डिसीजन इंटरेस्ट रेट का था एक्सचेंज रेट चैनल में आ गया तो पॉलिसी डिसीजन एक्सचेंज रेट का हो जाएगा ये बात नहीं है पॉलिसी हमेशा याद रखें मॉनिटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट इंटरेस्ट रेट है डिसीजन सिर्फ इंटरेस्ट रेट का होगा लेकिन इंटरेस्ट रेट चैनल में हम यह कहते हैं कि वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को चेंज करता है और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट को चेंज करता है और इन्वेस्टमेंट से एग्रीगेट डिमांड चेंज होती है ये चैनल इंटरेस्ट रेट चैनल कहलाता है लेकिन जब अब हम बात करने लगे अदर एसेट प्राइस की तो स्टार्ट हम फिर इंटरेस्ट रेट से करेंगे क्योंकि पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट तो अभी भी वही है लेकिन अब हम बीच में एक्सचेंज रेट को भी लाएंगे तो चूंकि एक्सचेंज रेट बीच में आएगा वो ब्रिजिंग वेरिएबल के तौर पे आएगा तो इसलिए हम पहले ये क्लियर कर लें कि इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज रेट को कैसे इफेक्ट करता है तो एक बात याद रखें कि जब किसी कंट्री में रियल इंटरेस्ट रेट कम हो जाए इसका मतलब यह है कि रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो जिस एसेट के ऊपर रिटर्न है रियल फॉर्म में फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड्स पे तो आपका क्या ख्याल है कि जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाए जो कि रिटर्न ऑन बॉन्ड या उसको एसेट कह लें तो रिटर्न ऑन एसेट का डिटर्मिनिंग फैक्टर है रियल इंटरेस्ट रेट तो इसका मतलब है रिटर्न ऑन बॉन्ड कम हो जाएगा अब ये किस जिस कंट्री में रियल इंटरेस्ट रेट कम हुआ है उस कंट्री के अंदर जो उसकी करेंसी में बॉन्ड्स फ्लोट कर रहे हैं उनका रिटर्न कम हो गया तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी जब उनकी डिमांड कम होगी हो तो इसका क्या मतलब है लोग उसको बेचना शुरू कर देंगे और उसको फर्दर परचेज नहीं करेंगे या परचेज कम कर देंगे तो वो जो पैसा बॉन्ड्स की मार्केट में इन्वेस्ट था वो किधर जाएगा अगर वो सेल कर देंगे तो वो उसकी जगह वो बॉन्ड्स खरीदेंगे जो उस मुल्क की करेंसी में नहीं है बल्कि किसी दूसरे मुल्क की करेंसी में है क्योंकि उस कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट कम हो गया उसके बॉन्ड्स की या उसके एसेट्स की डिमांड कम हो जाएगी और जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट नहीं कम होगा उसके बॉन्ड्स की या उसके एसेट्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो आप मुझे बताएं कि जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट कम हुआ और उसके बॉन्ड्स की या एसेट्स की डिमांड कम हो गई तो फिर उस करेंसी की भी तो डिमांड कम हो गई ना क्योंकि करेंसी इसलिए भी चाहिए होती है कि ताकि हम वो बॉन्ड्स या एसेट्स खरीद सकें जो इस डोमेस्टिक करेंसी के अंदर मिलते हैं तो जब उसके मुकाबले में फॉरेन कंट्री के बॉन्ड्स की एसेट्स की डिमांड बढ़ गई तो फिर उन्हीं की करेंसी की भी डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब यह है कि फॉरेन करेंसी आपके डोमेस्टिक कंट्री के अंदर डोमेस्टिक इकॉनोमी के अंदर जहां रियल इंटरेस्ट रेट कम हुआ है उसके अंदर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी फॉरेन करेंसी के बॉन्ड्स के डिमांड की वजह से और उसकी वजह से फॉरेन करेंसी महंगी हो जाएगी और आपकी करेंसी उसके मुकाबले में सस्ती हो जाएगी डिप्रिसिएट कर जाएगी तो इसका मतलब है आपकी करेंसी डिप्रिसिएट कर जाएगी एक्सचेंज रेट का ऊपर जो इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट मैं बताना चाह रहा था वो यही है कि जब रियल इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा आपकी इकॉनॉमी में तो अल्टीमेटली आपकी इकॉनॉमी में आपकी करेंसी की डिप्रिसिएशन हो जाएगी यानी कि आपका एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएट कर जाएगा अब हम चलते हैं कि ट्रांसमिशन चैनल क्या है ट्रांसमिशन चैनल ये है कि जब रियल इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो उसकी वजह से एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएट करता है यानी कि वो भी कम हो जाता है और मैं उसका चैनल समझा चुका हूं कि किस वजह से करता है और आपको पता है कि अगर एक्सचेंज रेट कम हो जाए यानी कि आपकी करेंसी डिप्रिसिएट कर जाए तो आपकी एक्सपोर्ट्स बाहर की दुनिया के लिए सस्ती हो जाती हैं और बैरूनी दुनिया से जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपके कंज्यूमर्स के लिए महंगी हो जाती हैं इसका मतलब यह है कि इम्पोर्ट कम हो जाती हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं नेट रिजल्ट यह है कि नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं तो नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ने का मतलब यह है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो अब आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट चैनल लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट से होता हुआ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करता था जो कि दोनों कॉम्पोनेंट हैं एग्रीगेट डिमांड के ये जो एक्सचेंज रेट चैनल है एग्रीगेट डिमांड के एक और कंपोनेंट को इफेक्ट कर रहा है जिसे हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट अब आ जाएं अदर प्राइसेज में एक दूसरा एसेट है उसकी प्राइस की भी हम बात करते हैं जिसे मैंने कहा था प्राइस ऑफ इक्विटी या प्राइस ऑफ स्टॉक अब पहले तो यह क्लियर करें कि इस प्राइस ऑफ इक्विटी के अंदर जो चैनल है उसको हम कहते हैं टोबिन्स क्यू चैनल और उसके पीछे टोबिन्स क्यू थेरी है तो पहले ये क्लियर कर लें कि टोबिंस क्यू है क्या चीज फिर हम इस चैनल को डिस्कस करें तो टोबिंस क्यू या सिंपल क्यू क्यू कहते हैं द मार्केट वैल्यू ऑफ डिवाइडेड बाय द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि शेयर जो मार्केट में है एक फर्म के उसकी क्या वैल्यू स्टॉक मार्केट में लग रही है और आपको पता ना कि वो फर्म की जो वैल्यू है जो शेयर्स वहां हैं उसके पीछे तो कैपिटल है ना यानी कि फर्म के अंदर जो कैपिटल पड़ा है वो कैपिटल जो है वो उसने इक्विटी रेज की थी लोगों से फर्म ने तो इसका मतलब है कैपिटल स्टॉक फर्म के अंदर है फैक्ट्री में है और उसके शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में एक उस कंपनी की एक वैल्यू होती है ना उसके शेयर के थ्रू तो अगर उसकी एक वैल्यू है दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अगर हम वो जो कैपिटल है जिसके अगेंस्ट वो शेयर फ्लोट हुए हैं अगर हम उस कैपिटल वैसा कैपिटल अप परचेज करें यानी कि रिप्लेस कर दें तो उसके ऊपर क्या कास्ट आएगा तो वैल्यूएशन जो मार्केट में स्टॉक मार्केट में हो रही है कंपनी की वो कितनी है और जिस कैपिटल के अगेंस्ट हो रहा है उस कैपिटल की अपना कास्ट कितना है यानी कि उसकी प्राइस कितनी है इन दोनों की रेशो को क्या कहते हैं क्यू अब अगर क्यू हाई हो जाए इसका मतलब यह है कि कैपिटल के अगेंस्ट जो शेयर्स फ्लोट किए स्टॉक मार्केट के अंदर तो स्टॉक मार्केट में उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई है लेकिन जिस कैपिटल के अगेंस्ट वो शेयर्स फ्लोट हुए हैं उस कैपिटल स्टॉक की वैल्यू उतनी नहीं बढ़ी इसका मतलब यह है कि कंपनीज के लिए फायदा हो गया कि वो शेयर्स फ्लोट करें मार्केट में और जो पैसा आए उससे नई मशीनरी परचेज करें यानी कि जो मार्केट में मशीन के अगेंस्ट शेयर जाएंगे उनकी वैल्यू ज्यादा लगेगी मशीन की प्राइस इतनी ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब है क्यू बढ़ जाएगा क्यू बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट फार्म की ज्यादा होगी तो ये याद रखें कि क्यू का चैनल ये है अब हम चूंकि मॉनिटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन चैनल पढ़ रहे हैं तो अब हम ये देखेंगे कि क्यू मॉनिटरी पॉलिसी की वजह से क्यों चेंज हो जाता है तो इसमें अब आपने क्यू बेसिकली तो स्टॉक प्राइसेस से ही आता है ना स्टॉक प्राइसेस या वैल्यू ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो तो अब हम ये देखते हैं कि कि जब लो हो रियल इंटरेस्ट रेट इसका मतलब ये है बॉन्ड्स के ऊपर रिटर्न कम हो गया है. जब बॉन्ड्स के ऊपर रिटर्न कम हो गया तो आपको पता है बॉन्ड्स का अल्टरनेटिव एसेट कौन सा होता है स्टॉक्स तो लोग बॉन्ड्स में से पैसा निकालेंगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो इक्विटी या स्टॉक की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी तो इसका मतलब है सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट चेंज करता है, वो की होता है। लेकिन गिरेंगी और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक्स की प्राइसेस बढ़ेंगी तो यहां से ये चैनल आता है तो ये चैनल अब फाइनली क्या हुआ चैनल ये है कि अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर दे रियल इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट कम करके रियल इंटरेस्ट रेट कम कर दे तो उसकी वजह से बॉन्ड से लोग पैसा निकाल के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो पी एस विच इज प्राइस ऑफ स्टॉक वो इंक्रीज हो जाएगी जब प्राइस ऑफ स्टॉक इंक्रीज हो जाएगी तो चूंकि क्यू है प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो इसका मतलब यह है कि क्यू इंक्रीज हो जाएगा और फर्म के लिए यह बेनिफिशियल है कि वो मार्केट में अपने शेयर फ्लोट करे और जो पैसा इकट्ठा है उससे कैपिटल परचेज करे क्योंकि ज्यादा फंड रेज होगा कैपिटल का कास्ट उसके मुकाबले में कम है तो फर्म्स अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगी और इन्वेस्टमेंट बढ़ने का मतलब है फाइनली एग्रीगेट डिमांड बढ़े अब आपने देखा बीच में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट नहीं आया बीच में एक्सचेंज रेट नहीं आया बल्कि टोबिन्स क्यू की वजह से जो है फाइनली क्यू चेंज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट चेंज हुई और उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड चेंज हो गई थैंक यू